नमस्कार, जनकुमार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। रोहतास जिले में लघु सिंचाई विभाग के कार्यों में लापरवाही सामने आई है। करगर प्रखंड के सोनाडीह इलाके में निर्माण में अनियमितता की शिकायत ग्रामीणों ने की है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले ही नहर की फाल से दीवारों का निर्माण किया गया, लेकिन दीवारों में अभी से ही दरारें आ गई हैं। साथ ही किनारे पर मिट्टी भरकर बनाई गई सड़क भी पहली बरसात में ही दरक गई। पक्की सड़क किनारे से टूटकर गिरने लगी है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है कि नहर का पानी आते ही फाल की दीवार दरक गई, किनारे की सड़कें भी टूटकर गिरने लगी हैं। मालूम हो कि पहाड़ से निकलने वाली धर्मावती नदी पर करगहर के सोनाडीह में नहर पर फॉल बनाया गया है ताकि किसानों को इससे सिंचाई की सुविधा मिल सके। जो फाल में काम हुआ था वो मिट्टी का ठीक ठाक से नहीं हुआ था, उसी के चलते वहाँ तोड़कर और यहाँ पानी आकर रोड उपलब्ध कर रोड टूट गया। तो मतलब कि ये जो फाल का निर्माण है उसमें क्वालिटी सही नहीं है? नहीं, कुछ सही नहीं है। ना दीवार सही जोड़ा गया है, ना माटी भरा गया है, ना सुरुस लगाया है सही। जलस्तर नीचे तक नहीं है भाई, ठीक ना। ओकर बाद में ताल में कौन वोल्ट जो नाला बा दीवार जोड़ाइल बा दीवार फाट फिर कल फंड आगे एगो दिले बान हो जी माटी भरे के रहे माटी निकल भर ले। हाल में जो है एक पुराना आउटलेट है, होम पाइप कलवर्ट बना हुआ था, उसके बगल में एक नया कलवर्ट बनाया गया है, इसीलिए उसके बीच में जो है थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। इसको जो है हम भरवा देंगे कि उसके बीच से मैंने पानी पास ना हो, स्ट्रक्चर को नुकसान ना हो। रामपुर में भूमाफियाओं के अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। अवैध जमीनों को प्रशासन खाली करा रहा है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी सरकारी आवासों पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। इस छापेमारी अभियान से कांसीराम आवास कॉलोनियों में जब सिटी मजिस्ट्रेट के साथ अन्य अधिकारी पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, अवैध रूप से जो लोग सरकारी आवासों पर कब्जा करके रह रहे थे उनसे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सरकारी आवासों को खाली कराया गया। जनपद में कांसीराम आवास जो है कुछ लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं और कुछ लोग जो पात्र नहीं है उन्होंने किराए पर उठा रखा है, ऐसी शिकायतें मिल रही थी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से आज पूरे जनपद में एक साथ कांसीराम आवास की पात्रता की जांच की जा रही है और उसमें जो खाली हैं या अपात्र पाए जाएंगे उनके आवास खाली करा के पात्र लोगों की जो अप्लीकेशन आई है उन पात्र लोगों के बीच में लॉटरी करा करके उनको आवंटित किया जाए। हरदोई में बिजली व्यवस्था खराब हो गई है। इसको लेकर सवर्ण चेतना सभा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में लालटेन और पंखे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सवर्ण चेतना सभा ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन के साथ लालटेन भी भेंट की। सभी पदाधिकारियों ने हाथ बने हुए पंखे लालटेन फ्यूज बल्ब और दफ्ती लेकर अपना विरोध जताया। छिंदवाड़ा के ग्राम उमारिया में अज्ञात चोरों के गिरोह ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात करीब 12 और 1 बजे के बीच हुई। पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर घर में घुसे, घर में सो रहे परिजनों को धमकाकर नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। इस दौरान बदमाशों ने परिजनों को अलग अलग कमरों में ले जाकर बंद कर दिया। बदमाशों ने फकीरा पाठे की धारदार हथियार से जान भी ले ली। वहीं पत्नी की पसली और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। बदमाशों ने पुत्र को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। थाना मोखेड़ के मरिया गांव में बीती रात में फकीरा पाठे नाम के व्यक्ति हैं जो घर पे थे अपने परिवार के साथ। अज्ञात कुछ 8-10 बदमाशों ने आके वहां पर पीछे से दरवाज़ा तोड़ा और अंदर घुसे थे, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और वहाँ से कुछ मंगलसूत्र नकदी और कुछ अन्य जेवरात वहाँ से लूट के ले गए। उसमें बुजुर्ग 75 साल के फकीरा सेठ की सर में चोट लगने से मृत्यु हो गई है, साथ ही उनके पुत्र और पत्नी घायल हुए थे जिनको अस्पताल में भेजा गया जो खतरे से बाहर है। हम सभी लोग पूरी टीम मौके पर है और अलग अलग टीमें बना के इस तरह के जो पूर्व के अपराधी हैं और साथ ही इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया उसकी जानकारी लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसमें जो आरोपी हैं उनको पकड़ें। सासाराम में स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 2,80,000 रुपये की लूट की है।
घटना नगर थाना के करगहर मोड़ की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि चित्तौली के रहने वाले बबन सिंह बैंक से 2,80,000 रुपए निकाल कर गाँव जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार दो अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उनसे रुपए छीन लिए और भाग निकले। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हम स्टेट बैंक से जैसे पैसे निकाल कर आ रहे थे, वही माने कि दो आदमी बाइक सवार से आए और करगर मोड़ पर माने कि लेकर और भाग गए। मतलब कितना पैसा था? 2,80,000। कहाँ पर लुटवा आपका? करगर मोड़ पर, ओवर ब्रिज के पास। किधर भागे अपराधी? ककिया तरफ माने कि। कितने संख्या में थे? हाँ, कितने संख्या में थे? दो आदमी थे। मोटरसाइकिल से थे? हाँ, दो आदमी थे। क्या नाम हुआ आपका? बबन प्रसाद सिंह। कौन सी गाड़ी था उनके पास? पल्सर 220 था। खास खबर में बस इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।